सलाम अला रसूल करीम अम्मा बाद। मोहतरमा हलीमा सादिया, डॉक्टर डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौजिन मौजिज मेहमान खसूसी हमारे साथी मोहम्मद शकील अशरफ साहब। शकील अशरफ साहब के साथ आपने मोहम्मद नहीं लगाया, मोहम्मद शकील अशरफ हैं वो, और उनके इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी रह गई। बिहार अंजुमन के फाउंडर्स में से हैं, हमारे बिहार अंजुमन का जब क्याम हुआ तब से शुरू से ही वो हमारे साथ हैं। एंड ही इज रियल कोर ऑफ द अरेंजमेंट, नॉट जस्ट वर्कर बट ही इज ऑल्सो अ लीडर इन एवरी सेंस। तो मोटिवेशन है हमारे लिए मोहम्मद शकील अशरफ साहब, सिविल इंजीनियर वो भी हैं, सिविल इंजीनियर मैं भी हूँ, हम लोग का प्रोफेशन सेम है, बस वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, डिजाइन करते हैं, मैं जो वो साइट पे उनके डिजाइन किए हुए को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जो सामने होता है कंस्ट्रक्शन में वो दिखाई देता है, जो पीछे डिजाइन करता है वो कम दिखाई देता है। तो शकील अशरफ साहब के साथ भी शायद यही बात है कि वो दिखाई कम देते हैं, काम ज्यादा करते हैं माशाल्लाह। तो आपका डॉक्टर साहिबा, आपका खासतौर से शुक्रिया, आप माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इतने सारे वीडियोस एक्टिवली आप जो है वो कंटिन्यूसली बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप माशाल्लाह लगी हुई हैं। तो आपको अल्लाह ताला जो है वो और भी काबिलियतों से नवाजे ताकि आप कौम के ज्यादा काम आ सकें, और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको अल्लाह ताला की तरफ से जो है अल्लाह ताला की नेमतें जो है उनके लिए बरसें, कि ताकि वो जो है वो हमारे कौम की मुस्तकबिल हैं, तो हमारा हमारे कौम का मुस्तकबिल जो है संवर सके। तो अल्लाह ताला इन बच्चों के जरिए से हमारे कौम का मुस्तकबिल संवरे। इस दुआ के साथ मैं अपनी ऑफ था, पूरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, उसको ऑन कर रहा हूं, म्यूट कर दें बाकी लोगों को तो अच्छा रहेगा। और तो ये पूरा का पूरा सिलसिला जो है वो जो टॉपिक है आपका वो रिलेटेड तो नॉलेज से ही है, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक जो है वो हलाल क्या है हराम क्या है इसमें फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो और ये अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को बगैर इसके तो नहीं है नॉलेज के, और बगैर तमीज के हलाल और हराम की। तो एक जो नफ्स में हमारे तमीज डाल दिया है तो वो तो बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त ही उसके नफ्स में डाला हुआ होता है। तो शुरुआत में भी समझ में आता है बच्चों को, बचपन में भी समझ में आता है कि गलत क्या है सही क्या है अच्छा क्या है बुरा क्या है। बस ये होता है कि जो समाज में जो गलत अनासिर हैं वो बरगला देते हैं कुछ कुछ इधर उधर की चीजें। सो सम काइंड सम बैड ट्रेनिंग हैपेंस आइदर इन द होम इटसेल्फ और इन द स्कूल कॉलेज वगैरह में। तो जैसे 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 हम सोसाइटी में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते रहे वैसे वैसे बुराइयां हमारे अंदर आती जाती हैं। वरना हदीस है कि अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है प्योरिटी पे। सो वी आर ऑल बॉर्न प्योर, प्योर मतलब प्योर एट हार्ट, प्योर प्योर इन आवर कॉन्शियंस, प्योर इन एवरी मैटर। तो हम गलतियों से पाक हलाल जिंदगी जीने के लिए पैदा किए जाते हैं और उस तमीज के साथ पैदा किए जाते हैं। बाकी जो है वो नॉलेज तो अल्लाह ताला ने आदम अली सलाम को जब जमीन पे भेजा तो उस वक्त में उनको सारा नॉलेज दे के भेजा था, यानी तमीज भी हलाल और हराम की और हाइजीनिक और अनहाइजीनिक की तमीज भी दे करके भेजा था। तो इसी उसी 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 सिलसिले में सारे प्रॉफिट्स जो नॉलेज लेकर के आए दुनिया को रोशनी देने के लिए, अंधेरे से निकाल कर अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाने के लिए, तो सब ने हमको ये सिखाया है। तो इस्लाम सिखाता है, तो इस्लाम सारे मजाहिब ही इस्लाम है, मजहब एक ही है, बाकी जो है लोगों ने उसको तोड़ मोड़ के कुछ और बना दिया हो, नाम कुछ और दे दिया हो, बट अल्लाह ताला कहता है कुरान शरीफ में कि इस्लाम सारे मजाहिब जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो मजहब आया वो इस्लाम ही है। उसका नाम इंसानों ने बदल दिया हो, जैसे इंसान बच्चों को बदल देता है, उसकी जो फितरी जो उसके अंदर जो खसूसियात हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके साथ के वो पैदा होता है बच्चा, उसको फिर इंसानी बदल देता है। तो इंसान जो 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 मजहब को बदल देता है तो बच्चों के करेक्टरिस्टिक्स को बदलना भी उसके लिए बड़ा आसान होता है। तो अपने फायदे के लिए लोग जो है वो इसमें लगे होते हैं। तो यह है निज़ाम जिसमें कि बचना है उन जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं जो हमें नेचुरल और गॉड की तरफ से आया हुआ जो नॉलेज है उससे दूर ले जाने की कोशिश करती हैं, उससे बचने का स्ट्रगल ही एजुकेशन है। जो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं बच्चे
और या हम भी, कोई भी इंसान जो है वो मरते दम तक तालीम हासिल करता रहता है, जब तक दफन ना हो जाए कब्र में तब तक तालीम हासिल करता रहता है। आप बच्चों से भी हम सीखते हैं, हमसे भी आप बच्चे सीखते हैं। तो हमारा पूरा स्ट्रगल जो पूरी जिंदगी का है वो यही है दुनिया में कि हम जो है वो उन एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो हमें करप्ट करने की कोशिश करती हैं, जो हमें खराबियों की तरफ ले आने की कोशिश करती हैं, जो हमें नुकसान की तरफ ले आने की कोशिश करती हैं। नुकसान है हराम की तरफ, क्योंकि जिंदगी जो यहाँ की है छोटी है, शॉर्ट, इट्स अ शॉर्ट लाइफ विच इज सर्टेन टू एंड। कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, सारे इंसानों, सारे जो लोग आए हैं दुनिया में सबको मौत का मजा चखना है, सबको जाना है। तो एक जिंदगी है जो आखिरत की, वो परमानेंट जिंदगी है। यहाँ की जिंदगी टेम्पररी जिंदगी है। तो इस टेम्पररी जिंदगी में जैसे आप इम्तहान की तैयारी करते हैं, अभी जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और उसमें जो अच्छा करने की कोशिश करती हैं, सो यू ट्राई टू डू योर बेस्ट टू अचीव वट एवर इज बेस्ट इज पॉसिबल फॉर यू। सो तो लाइफ का भी एग्जामिनेशन यही है कि उसमें वी ट्राई टू एक्सेल, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट नॉट फॉर दिस लाइफ बट एक्चुअली फॉर द लाइफ विच इज परमानेंट which will come after our death. तो उसकी उसके लिए जरूरी यह है कि जिसने हमें बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसने हमें बनाया, उसके ही बताए हुए तरीकों पर चलें, हलाल और हराम की तमीज उसने जो बताया उसके हिसाब से चलें, अपना अपने तरफ से कुछ अलग से डिफाइन नहीं करें, तोड़ मोड़ नहीं करें जो जो हमें मिला है कुरान में या हदीसों में, कुरान के बाद रसूल रसूल जो हमारी तरफ लेकर के आए, नहीं जो उन्होंने समझाया हमें या उनके जो सहाबा कराम ने हमें समझाया, जो रूम पे क्लास है कोई टीचर शकील है। शकील साहब जरा अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, तो वो जाहिर पता है हर एक का म्यूट हो जाता है, तो आपका भी हो गया, अब आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी सॉरी, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस चिल्ड्रन। तो ये मैं कह रहा था कि तो जो हमें बताया गया अल्लाह ताला की तरफ से, जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने हमें बनाया, उसने जो बताया तरीकाकार, वो कुरान के अंदर हम उसको बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल होता है। हर जो मशीन बनाई जाती है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल बनाया जाता है साथ में उसके। तो इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने, तो साथ में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल कुरान की शक्ल में बनाया। सो एवरीथिंग दैट वी आर सपोज टू डू, द वे वी हैव, वी आर सपोज टू फॉलो आवर लाइफस्टाइल in order to achieve success, in order to pass with distinction, जैसे आप लोग तैयारी करती हैं अपने examination के लिए, उसी तरह से हमको भी अपनी तैयारी करनी है उस permanent जिंदगी के लिए। तो ये दूसरों जो हमारे जो अलग से interference होता है, जो environment का, जो हमारे दोस्त यार की तरफ से, हमारे हमारे खुद family members की तरफ से, society की तरफ से, उनसे बचने की ज़रूरत है। और यही असली एजुकेशन है। तो असली एजुकेशन कामयाबी की तरफ ले जाता है, असली एजुकेशन आपको जो है वो बेहतरीन कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो बेहतरीन कामयाबी जो इस जिंदगी की है वो तो स्कूलों में और ये डॉक्टर साहिबा जो है वो माशाल्लाह लगी हुई हैं आप लोगों को सिखाने में, लेकिन माशाल्लाह ये और भी इसके आगे भी आपको सिखाने की कोशिश करती हैं कि आप इस जिंदगी के अलावा जो आने वाली परमानेंट जिंदगी है उसके लिए आपको कैसे जिंदगी बसर करना चाहिए। तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो आप सब बच्चों को और आपके गार्जियंस को और आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्त अहबाब, आपके आने वाली जिंदगी में जितने भी लोग आपसे मिलें, वो उन सबको आपके जरिए से बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए, इस दुनिया की भी और आने वाली दुनिया की भी। और उसके लिए जरूरी है अल्लाह ताला जो है आप लोग सब लोगों को जो है वो तमीज जो है वो बेहतरीन अता फरमाए, जो अल्लाह को पसंद है वो नॉलेज कहते हैं कि मुनाफा बख्श नॉलेज, इल्मन नाफिया। तो वो नाफे नॉलेज जो है वो आपको अता फरमाए आप लोगों को, जिससे कि आप हलाल जिंदगी बसर कर सकें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से ग्रूम कर सकें फॉर योर बेस्ट सक्सेस इन द आफ्टर लाइफ। इन कलामात के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ माशाल्लाह बेहतरीन तालीम हासिल कर रही हैं, और उन गार्जियंस को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आपको इस सिस्टम के साथ जोड़ा है, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ, तरबियती सिस्टम के साथ जोड़ा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप न सिर्फ दुनिया की कामयाबी की तरफ जो बढ़ रही हैं आगे, बल्कि आखिरत की कामयाबी इंश्योर कर रही हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टू योर गार्जियंस, टू योर पेरेंट्स एंड टू डॉक्टर हरीमा सादिया साहिबा फॉर दिस एक्सलेंट for the success. I wish the success of all this program and all the programs to come. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Jazakallah khair, Dr. Shakil Ahmed Sahab.
for your golden words. Although you are not doctor, but I call you doctor because of your experience and your wisdom. So Shakil Ahmad Sahab, thank you very much for your motivating words and your prayers and duas for us. Now, my dear students, this is the time when we are going to start the program formally by the students. And the first participant, I mean the icebreaker, the one who is going to take the lead, the one who has courage to be the first to set the example. Now, please welcome Asfareen Irshad from Kingdom of Saudi Arabia. She is going to present on the topic halal food. So may I request Asfareen to kindly switch on the video and share the screen and start her presentation.